ये हमारे साथ हैं जीवन दान हॉस्पिटल में पूरे स्टाफ मौजूद। आइए कि क्या कहना है स्टाफ का इस हॉस्पिटल के बारे में। जी सर, आपका नाम? डॉक्टर आसिफ खान जी। आपका ये हॉस्पिटल के बारे में क्या कहना है? नहीं, हॉस्पिटल अच्छा है, ओपीडी भी देखते हैं डेली। दिन में मैं रहता हूँ, 10 तारीख से ओपीडी चालू है और रात में अलग डॉक्टर रहते हैं। आप यहाँ पे क्या कार्य करते हैं? ड्यूटी डॉक्टर जी। आपका और क्या कहना है हॉस्पिटल के बारे में, अभी आपके पेशेंट के बारे में? आपने अभी कुछ पेशेंटों के लिए क्या किया अभी तक? पेशेंटों के लिए अभी फ्री कैंप लगाया था हमने, और वैसे भी पेशेंट आते हैं तो उनका इलाज कर देते हैं। किसी को पैसे की दिक्कत है? और क्या कहना है आपका हॉस्पिटल के बारे में, हमारे महेश भाई के बारे में, जावेद भाई के बारे में? नहीं, महेश सर, जावेद सर, सर के बारे में क्या? सब अच्छे सर हैं, ठीक है, स्टाफ का ख्याल रखते हैं। नाम? चेतन यादव जी। आपका ये हॉस्पिटल के बारे में क्या कहना है? हमारा हॉस्पिटल 10 अक्टूबर को चालू हुआ था, और हमारा हॉस्पिटल का मकसद है कि पेशेंट को कम से कम जो व्यक्ति मतलब गरीब वर्ग का व्यक्ति होता है, उसे कम से कम में उसको सारी सुविधाएं दी जाएं और व्यक्ति स्वस्थ रहे। और किसी व्यक्ति का पैसा नहीं होता है तो हम उसके लिए आयुष्मान वगैरह का भी चालू करने वाले हैं, उसमें वो उसका लाभ ले सकता है। तो आयुष्मान अपने तरह चालू अभी नहीं है? चालू लगे हुए प्रयास में, उसका आयुष्मान का भी हो जाएगा जी। और क्या कहना है आपका, आपके स्टाफ के बारे में, जितने लोग आपके साथ काम करते हैं, आप क्या कार्य देखते हैं यहाँ पे? यहाँ पे मैं एज ए लैब टेक्नीशियन हूँ, लैब इंचार्ज जी। और 24/7 सुविधा दी जा रही पेशेंट को यहाँ पर एक्सरे, सोनोग्राफी, पैथोलॉजी, सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। मेडिकल वगैरह में कोई जैसे लोग हैं उनको परेशानी वगैरह नहीं? नहीं, मेडिकली कोई परेशानी नहीं आएगी, यहाँ पे मेडिकल की सुविधा है, सारी दवाएं यहाँ पे दी जाती हैं।